भर में ईद उल फित्र आज मनाई जाएगी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ढेरों मुबारकबाद। तो हाल वही है कि करते हम तैयारी, आज मान मेरी बात जब भी डाल मेरे यार, ये ईद ट्रेडिशन है। चांद रात पर शॉपिंग का अपना ही मजा, बाजारों में दिन का समा। मलबूसात की खरीदारी के बाद खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और सैंडल्स की तलाश, गहमा गहमी उरूज पर। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैचिंग लेने में, तो ज्यादा घूमना पड़ रहा है क्योंकि वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, तो सिलेक्ट करने में भी टाइम लग रहा है। ईद हमारी तभी पूरी होगी जब हम सारी साथ वैसी मैचिंग चूड़ियां वगैरह सब कुछ लेंगे। ईद के जोड़े की धनक और चूड़ियों की खनक, चांद रात पर बाजारों में रंगों की बरसात, बैंगल्स की खरीदारी का सिलसिला जारी। ईद के रंग मेहंदी के संग, कराची के इलाके क्लिफ्टन में हिना की खुशबू, नक्शो निगार बनवाने के लिए खवातीन का मजमा लग गया। बच्चियां ये घर में बैठने नहीं दे रही थी, चलो आज मेहंदी लगवानी है, तो इसीलिए सबको मेरे ख्याल में सभी एंजॉय कर रहे हैं। अरे ये तो लड़कियों की शान होती है मेहंदी लगाना, इसीलिए लड़कियां जो है ज्यादा शौक से लगवाती हैं। मेहंदी के बगैर चांद रात लगती ही नहीं है, ईद का मजा नहीं आता। मामा को बोल बोल के सुबह से थक गई हूँ कि मुझे ब्लू कलर का ड्रेस ले दे, वो लेके नहीं देती। बच्चों की फरमाइश ही नहीं खत्म होती, इनकी बात मानो तो पूरा मार्केट ही खरीद के दे दो। मामा मेरे जूते और चूड़ियाँ लेके नहीं दे रही, मैं उनसे इतने दिनों से कह रही हूँ, फिर भी मामा मुझसे नहीं लेके दे। अभी मुँह बना के बैठी है, कुछ ले दूंगी तो ठीक हो जाएगी। एक ख्वाहिश के बाद अगली फरमाइश, जिद्दी बच्चों ने माओं की नाक में दम कर दिया। बड़े त्योहार के लिए जूते कपड़े और खिलौने खरीदने पर इसरार। ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ईद के लिए मैं हेयर कटिंग करवाने के लिए यहाँ आया। ईद में थोड़ा सा कुछ स्पेशल करना होता है, मैंने मेहंदी लगवाई। स्पेशल नजर आने के लिए बच्चा पार्टी बेचैन, लड़कों को स्टाइलिश बाल कटवाने की फिक्र, लड़कियों को मेहंदी के मुनफरिद डिजाइन की ख्वाहिश, पार्लर में बारी का इंतजार। बिल्कुल खामोश है आप, क्या आपने क्या शॉपिंग की? अपनी बहू के लिए, बहू मेरी घर पे है। अच्छा, और नवासे के लिए, पोतों के लिए। मैंने पहली सास देखी जो अपनी बहू के लिए शॉपिंग कर रही है। सास बहू का रिश्ता ऐसा है जैसे मियां नवाशी साहब और इमरान खान साहब का है। देखे ना, लोग ऐसे इधर से इधर आ रहे, इधर से इधर, ऐसे लग रहे की ईद की शॉपिंग नहीं कर रहे, कोई नया पाकिस्तान बन रहा है। कैसर पिया लाहौर की लिबर्टी मार्केट पहुँच गए, अदाकार का खरीदारों से टाकरा, बाजार का गश्त। हलवाई की पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में, मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। स्वीट्स की दुकानों पर खरीदारों की भरमार, लोगों ने टोकरे खरीद लिए। एक्सरसाइज सेशन है किक बॉक्सिंग का, वो करूंगी, बाकी बहुत सारी सेवइयां खाऊंगी। रेस्ट करती हूँ फैमिली के साथ, ईद करती हूँ फ्रेंड्स के साथ। किक बॉक्सिंग से रंग जमाएंगे, सेवइयां खाएंगे और सो जाएंगे। फनकारों ने ईद पर प्लान बता दिया। ईदी होम में मुकीम बच्चों को कपड़े, ज्वेलरी और चश्मे मिल गए। ईद की तैयारियां मुकम्मल, मरहूम का जिक्र जबान पर। हमारा भूल नहीं है, हम लोग को मज़ा नहीं आ रहा, ईद पर उनकी बहुत याद आ रही है। ये भी शुक्र करती हूँ कि हमारे साथ मम्मी फैसल भाई भी है। भीगी भीगी ईद, आज से वो तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध के साहिली इलाकों में बारिशों की पेशगोई।
سانحہ احمد پور شرقیہ نے خوشیاں گہنا دیں. آئل ٹینکر الٹنے کے بعد آگ لگ گئی. بہتا تیل جمع کرنے والے 142 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی. ٹینکر الٹنے کے 35 منٹ بعد آگ لگی. لوگ پیٹرول بھرتے رہے. مقامی پولیس اور حکام 8 بجے پہنچے. گھر اجڑتے رہے. انتظامیہ کیوں غائب رہی؟ اسسٹنٹ کمشنر دن بھر کہاں گھوڑے بیچ کر سوتے رہے؟ ذمہ دار کون؟ عوام کا سوال. سانحہ احمد پور شرقیہ، وزیر اعظم نے دورہ لندن مختصر کر دیا. آج واپس پہنچیں گے. نواز شریف زخمیوں کی عیادت کے لیے بہاولپور جائیں گے. سانحہ احمد پور شرقیہ اور ملک میں دہشت گردی کے واقعات، غمزدہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صدر، آرمی چیف، پنجاب اور بلوچستان حکومت کا عید سادگی سے منانے کا اعلان. پنجاب حکومت کا جاں بحق افراد کے ورثاء کو 20-20 اور زخمیوں کو 10-10 لاکھ دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نماز عید بہاولپور میں ادا کریں گے. سرگودھا ضلع کچہری کے ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی. اہم دستاویزات جل کر خاک. برطانیہ میں مسلمانوں پر حملے بڑھ گئے. خاتون نے عید کے اجتماع سے واپس آنے والوں پر گاڑی چڑھا دی. کئی زخمی، ملزمہ گرفتار.